Hello guys, good morning, welcome to my YouTube channel. My name is Mahesh Singh. Guys, in this video we are going to discuss Indian payment system. Indian payment system, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो examination viewpoint से अगर हम लोग देखते हैं तो जो banking examination है, अगर आप bank के लिए RBI या फिर अगर आप insurance और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर एग्ज़ाम में बैंक इंश्योरेंस या पेमेंट सिस्टम से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो जो की स्टडी एरिया है आपका इस यूनिट के लिए, जिन जिन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आपका स्टडी करने जा रहे हैं, वो आपका अगर हम लोग मेजर मेजर बात करते हैं तो जैसे आपका इसके अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जिसको हम लोग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं पेमेंट के ऊपर. CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका, ठीक है, और चेक. ठीक है, चेक क्या होता है या उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके हैं उन सबको हम लोग आपका स्टडी करेंगे, या फिर आपका चेक क्या होता है. ठीक है, इसके अलावा आपका CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, NEFT आपका, RTGS, या फिर आपका IMPS, UPI, भीम, APBS, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड स्विफ्ट. तो कुछ मेजर मेजर चीज़ें जिनको हम लोग आपका यहाँ पे क्लियर करेंगे. ठीक है, तो गाइस अगर आप जैसे किसी भी बैंकिंग या इससे रिलेट करते हुए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, जैसे SBI के लिए अगर आप प्रिपेयर करें या फिर आपका इंश्योरेंस LIC का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसमें पेमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा. ठीक है, वो टाइप ऑफ चेक के ऊपर हो सकता है या फिर NPCI के ऊपर हो सकता है या जो पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं, UPI, भीम, या फिर आपका NEFT, RTGS, आपका इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, स्विफ्ट, या फिर जितने भी सारे आपके हैं. ठीक है, तो काफ़ी जो अगर आप वेटेज देखेंगे इन एग्जामिनेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है आपका इंडियन पेमेंट सिस्टम. तो इंडियन पेमेंट सिस्टम मतलब पेमेंट से रिलेटेड जितने भी टूल्स हम लोग जितने भी नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर या मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस या नेटवर्क्स को हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको हम लोग आपका यहाँ पे वन बाय वन क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI से आपका. ठीक है, NPCI जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी जो पेमेंट सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो सारी लिंक है आपका, या उन सबका जो फाउंडर है वो कौन है आपका, NPCI है. ठीक है, जैसे वो आपका CTS हो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, या चेक सिस्टम क्यों ना हो, या फिर जितने भी UPI, भीम, ये सारे जो हैं आपके सब स्टार्ट किए गए किसके द्वारा, NPCI के द्वारा. तो NPCI काफ़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको ध्यान में रखने होंगे. तो एक लाइन जिसमें हम लोगों ने NPCI को डिफाइन किया है, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम आपका है, जितना भी जैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर या जितने भी सारी चीज़ों में आप डील करते हैं उनके ऊपर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. सारे किसके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं आपका, NPCI के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं. NPCI जिसको फॉर्म किया गया था आपका दिसंबर 2008 में. ठीक है, NPCI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 2008, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई के अंदर. ठीक है, मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके लिए जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो है आपका RBI. ठीक है, एंड ऑफ द डे जो NPCI अपना रिपोर्ट करेगा वो किसको करेगा, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. ठीक है, फाइनल जो गाइडलाइंस होंगे वो आपका RBI के द्वारा. विश्व मोहन महापात्रा जो कि चेयरमैन है एट प्रेजेंट, आपका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके विश्व मोहन महापात्रा, और जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं दिलीप आजबे. ठीक है, तो दिलीप आजबे आपका MD एंड CEO, और चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा. ठीक है, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि जितने भी रिटेल से रिलेटेड या जितने भी पेमेंट्स इंडिया में आपके होती हैं उन सबका जो फाउंडर है. ठीक है, जैसे रूपे है, अगर क्वेश्चन नहीं होता रूपे को किसके द्वारा फाउंड किया गया, या CTS सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या फिर आपका UPI का फाउंडर कौन है, भीम का कौन है, ये सबके लिए जो आपका आंसर होना है वो क्या होगा आपका, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो आपका इसको फुल फॉर्म याद रखना है, और कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या देता है कि इंडिया में आपका जो रिटेल और आपका जो सेटलमेंट सिस्टम है, रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, NPCI. नेक्स्ट आपका
अगर हम लोग जैसे NPCI की सर्विसेज को देखते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी पेमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं सारी NPCI की सर्विसेज के अंदर आती हैं। जैसे कुछ मेजर आपका, जैसे CTS आपका है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। CBS आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, भीम एप्लीकेशन, भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, NES, ठीक है, NES आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो कि काम करता है आपका किसके ऊपर, जितने भी क्लियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी होती हैं। NFS जो कि आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि ATM के ऊपर जितना भी नेटवर्किंग आपका होता है। इसके अलावा रुपे क्या है, एक आपका इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि जितने भी कार्ड सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ मेजर सर्विसेज आपका जो कि NPCI के अंडर में आती है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी हो आपको देता है कि इनका फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, NPCI या इन ये जो UPI की सर्विसेज हैं या फिर आपका अदर कोई भी रुपे की सर्विसेज हैं किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपका आंसर होगा NPCI, ठीक है। कुछ मेजर सर्विसेज, इनके अंडर सब सर्विसेज बहुत सारी आपकी होती हैं जिनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे आने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट कुछ एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा आई होप कि NPCI क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, RBI के अंडर में जो काम करता है RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, जो कि जो जितने भी पेमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपका इंडिया में होती है उनको आपका रेगुलेट, सुपरवाइज या मॉनिटर करने का काम करता है ऑन द बिहाफ ऑफ RBI। बहुत जितने भी सर्विसेज हैं सभी NPCI के अंडर में आपकी हैं। अब NPCI जैसे सर्विसेज हम लोगों ने बहुत सारी देखी, तो उसमें एक सर्विस हम लोग जिसको हम लोग जानते हैं आपका चेक के नाम से। अब चेक, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है चेक से रिलेटेड, कि चेक आपका किस एक्ट के अंडर आता है, या फिर टाइप्स ऑफ चेक, या फिर आपका CTS क्या होता है, नॉन CTS क्या होता है, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल के अंदर भी। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि चेक क्या होता है, ठीक है। जैसे एक डमी चेक हम लोगों ने आपका ले रखा है, ठीक है, जिसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चेक है आपका, इस ब्रांच से रिलेट करता हुआ, ठीक है। तो अब चेक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, आपका किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपका यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं चेक होता क्या है, ठीक है, तो चेक को हम लोगों ने डिफाइन किया गया आपका किस तरीके से, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएशन का काम करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करेगा किसको, आपका कैश को, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, सपोज करो आपको किसी को 10,000 rupees पे करना है, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको कैश में दे दो या आप उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है और कैश आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, जो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको आपका पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, एक चेक इशू करा और उसको आपका पे कर दिया, ठीक है। तो चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो कि नेगोशिएट करता है किसको, कैश को, ठीक है। एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आपका होता है। अब लीगल डॉक्यूमेंट्स क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, आपका फॉलोड बाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जहां पे चेक को आपका डिफाइन किया गया, ठीक है। जो चेक आपका है इसको, ये किसके अंडर में आता है आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि नेगोशिएशन करता है आपका कैश के बदले में, जिसको यूज करते हैं हम लोग आपका। फॉलोड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इट मींस चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं चेक के ऊपर, जिसको भी आप पे करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कोई भी अगर ऐसा केस आता है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं आपके, कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी अगर चेक फेलियर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, चेक बाउंस, ठीक है, अगर या डिसऑनर अगर आपका चेक होता है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं आपका, लीगल केस आपका ले सकते हैं। तो बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं चेक की, तो ये कॉमन डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि ये नेगोशिएट कर रहा होता है किसको, आपका कैश को, कैश के बदले में हम लोग उसको यूज करते हैं। फॉलोड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसका मतलब चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर उसके ऊपर जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है वो बॉन्ड है किसी ना किसी एक्ट के साथ, ठीक है। तो और वो एक्ट है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेक्शन 6 आपका ध्यान रखें। ये कई बार पूछा जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के किस सेक्शन में चेक को आपका डिफाइन किया गया। इसके अलावा ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका, इसमें ये एक और चीज में यूज होता है, जितनी भी जो बैंकिंग हॉलीडेज आपकी होती हैं, ठीक है, बैंकों के अंदर जितनी भी जो बैंकिंग हॉलीडेज आपकी होती है, बैंकों के अंदर जितनी भी छुट्टियां आपकी होती हैं,
वो सारी भी किसके अंडर आती हैं आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि बैंकिंग हॉलीडेज किस एक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। जनरली अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो आप आरबीआई एक्ट या फिर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी भी जो बैंकिंग हॉलीडेज होती हैं वो कैलेंडर आपका किसके बेस्ड है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में आपका। इसके अलावा जैसे अदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट आपका है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सारे भी पार्ट है किसका, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, ठीक है। आने वाले समय में इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको जो ध्यान रखना है, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो इसका मतलब है चेक नेगोशिएट कर रहा है आपका, इक्वल टू कैश यूज होगा, और ये चेक क्या है, चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब चेक के अंदर कभी भी आप लोगों ने देखा होगा तो तीन पार्टीज आपकी चेक के लिए होती हैं, ठीक है। उन तीन पार्टीज को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहली पार्टी जो है वो है आपका ड्रॉअर, ठीक है। ड्रॉअर, ठीक है। ड्रॉअर कौन होगा आपका, इश्यूअर ऑफ चेक, ठीक है। जैसे आपने अगर मुझे चेक इश्यू करा तो आप क्या कहलाएंगे, ड्रॉअर कहलाएंगे, ठीक है। इन तीनों पार्टीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रॉअर कौन होगा, इश्यूअर ऑफ चेक, जो चेक इश्यू करता है, ठीक है। जिसने चेक आपका इश्यू करा, आपने अगर किसी को चेक इश्यू करा तो आप क्या है, ड्रॉअर है। ड्रॉई कौन होगा आपका, दूसरी पार्टी आपका ड्रॉई। ड्रॉई कौन होगा, हमेशा बैंक होगा। जिस भी बैंक का आप चेकबुक है आपके पास, या जिस भी बैंक का आप चेकबुक चेक इशू कर रहे हैं, वो क्या होगा, हमेशा बैंक ड्रॉई कहलाएगा। और तीसरा पार्टी होता है आपका पेई। पेई कौन होगा आपका, ठीक है। पेई हम लोगों का कौन होता है, रिसीवर ऑफ चेक, जिसके नाम पे आपने चेक इश्यू करा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई आपका पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। इसने आपका एक चेक इश्यू करा 10,000 रुपीज का, ठीक है। और वो चेक आपका किस बैंक का था, सपोज करो वो था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये चेक इश्यू किया गया किसको, आपका किसके नाम पे, मिस्टर एक्स के नाम पे, ठीक है। तो इस केस में आपका जो मिस्टर ए है ये क्या हो जाएगा, ड्रॉअर हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है यहाँ पे, आपका ड्रॉई कहलाएगा। और जो मिस्टर एक्स है वो क्या कहलाएगा, आपका पेई कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका चेक के अंदर तीन पार्टीज, इन तीन पार्टीज में से जो सबसे ज्यादा राइट जिसके पास होते हैं वो होते हैं आपके ड्रॉअर के पास। सबसे ज्यादा राइट का मतलब क्या है, जैसे कई बार क्वेश्चन करता है कि जो चेक कैंसिलेशन का राइट किसके पास होता है, चेक को कैंसिल कौन कर सकता है, तो ड्रॉअर करता है मोस्ट ऑफ टाइम। या फिर जो म्यूटिलेटेड चेक आपके होते हैं, ठीक है। म्यूटिलेटेड का मतलब क्या है, आपका जो फटे हुए चेक होते हैं, टॉर्न चेक जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर टॉर्न चेक के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है तो एप्लीकेशन किसके सिग्नेचर होंगे, तो भी आपका ड्रॉअर का सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा राइट होल्ड करता है इनमें आपका ड्रॉअर। तो ड्रॉअर इश्यूअर ऑफ चेक, ड्रॉई बैंक, और आपका पेई कौन होगा, रिसीवर ऑफ चेक, जिसके नाम पे चेक इश्यू किया गया है, ठीक है। अगला अगर हम लोग बात करें, एक चीज जो काफी ज्यादा चलती है आपका सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। एब्रीविएशन पार्ट पे आपका, ठीक है। और हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद करना है आपको, सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम को हम लोगों ने डिफाइन कैसे किया, इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। सीटीएस को नाम दिया गया आपका इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। अब इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है आपका, ठीक है। जैसे जो सीटीएस है इसको लॉन्च किया गया आपका 2010 में, ठीक है। 2010 में आपका सीटीएस सिस्टम लाया गया, ठीक है। और जिसको नाम दिया गया इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। अब इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम का मतलब क्या है, स्कैन कॉपी, ठीक है। स्कैन कर लेते हैं हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट उसका, ठीक है। देखो क्या होता था, 2010 से पहले हम लोग नॉन सीटीएस सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। अब नॉन सीटीएस सिस्टम आपका जिसमें क्या होता था, चेक का फिजिकल ट्रांसफर होता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जैसे सपोज करो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है, और आप मुंबई के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आप दिल्ली के लोकलाइट हैं, आपका यहाँ पे किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट था, और कल के डेट में आप मुंबई चले गए रहने के लिए, आपकी जॉब वहाँ पर लगी, ठीक है। और आपने अपने लैंडलॉर्ड को, आपने घर खरीदा, आप लैंडलॉर्ड को जो किराएदार था आपका, ठीक है, जो मकान मालिक था आपका, उसको आपने क्या करा, पेमेंट का मोड क्या यूज करा, चेक के थ्रू पेमेंट देने की बात करी, ठीक है। अब आप जैसे उस लैंडलॉर्ड को चेक मिला तो वो क्या करेगा, वो दिल्ली तो आएगा नहीं, वो क्या करेगा, मुंबई के किसी ब्रांच के अंदर उस चेक को लगा देगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जैसे उसने उस चेक को यहाँ पे आपका डिपॉजिट किया, तो मुंबई वाली ब्रांच उसको क्या करती थी, दिल्ली वाले ब्रांच को आपका कूरियर करती थी। अब कूरियर होगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस कूरियर में कुछ टाइम आपका लगा, देन इसने वेरीफाई करा, देन आगे पेमेंट को प्रोसेस किया गया। तो 2010 में आपका सीटीएस सिस्टम लाया गया, जिसमें
जो चेक का फिजिकल मूवमेंट है आपका, ठीक है, ये जो चेक यहां से यहां कुरियर हो रहा है इसको हम लोगों ने खत्म करा, अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, आपका स्कैन कॉपी को यूज करेंगे। मुंबई में ये ब्रांच में लगा तो इसने क्या करा, इसका स्कैन कॉपी भेजा इसको, इसने वेरीफाई करा तो ये यहीं से क्या करेगा, इसको क्लियरिंग हाउस को भेज देगा। ठीक है, क्लियरिंग हाउस जो कि एंड में आपका चेक का पे इन पे आउट देखते हैं, ठीक है, नैश हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो CTS सिस्टम आया इससे क्या हुआ, चेक का जो क्लियरेंस है वो काफी तेज हो गया। पहले चेक को क्लियर होने में 3-4 दिन लग जाते थे, ठीक है, आपका मिनिमम। आज के डेट में क्या होता है, अगर सेम सिटी के अंदर आपका बैंक है तो वो एक ही दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, या अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है तो मैक्सिमम 2 डेज का टाइम लेगा जब आपका चेक क्या होगा, क्लियर होकर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया आपका CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका, ठीक है। इसके अलावा CTS के अंदर जैसे बैंक का लोगो ऐड किया गया, INR रुपए का साइन ऐड किया गया, ऐसे बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस किए गए आपका, ठीक है। और आज के डेट में अगर हम लोग क्लियरेंस देखते हैं तो जो CTS सिस्टम है उसके अंडर जो CTS चेक होते हैं उनका जो क्लियरेंस होता है वो डेली बेसिस पर आपका होता है। अगर आपके पास कोई नॉन CTS चेक पड़ा है, मतलब आपने कोई चेकबुक इशू करी थी 2010 से पहले, कई बार तो पेमेंट फेलियर आ जाता है। अगर पेमेंट फेलियर नहीं भी आए तो उनका जो क्लियरेंस होता है वो क्या होता है, 2x in a week, मतलब 2 दिन में सिर्फ एक बार उनका क्लियरिंग होता है, ठीक है। डेली क्लियरिंग नहीं होती है, जैसे CTS चेक का क्या क्लियरिंग डेली बेसिस पर होगा, लेकिन जो नॉन CTS चेक है उनका 2 दिन में एक बार आपका, एक वीक में सिर्फ 3 बार आपका उनका क्लियरेंस आपका होता है। तो इस तरीके से जो आपका CTS सिस्टम जो कि जिसके लिए रिकमेंडेशन कमेटी थे आपका डॉक्टर आर बी बर्मन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आपके 2010 RBI के लिए, ठीक है। तो 2010 RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आर बी बर्मन के रिकमेंडेशंस पे उनकी देखरेख में आपका लाया गया CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको आपका हम लोग बोलते हैं इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग स्कैन कॉपी को यूज करते हैं। तो आपका CTS से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, फुल फॉर्म कौन से ईयर में आया, होता है क्या है और किसके रिकमेंडेशंस पे इसको लाया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, अगर छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब जैसे आपने बहुत सारे टाइप्स के चेक सुने होंगे, ठीक है, जैसे आपका बीयरर चेक है, ऑर्डर चेक है, स्टेल चेक है, आपका म्यूटिलेटेड चेक आपका है, ठीक है, इसके अलावा ट्रेवलर्स चेक है, गिफ्ट चेक है, कैंसिल चेक है, बाउंस चेक है, ऐसे बहुत सारे नाम हम लोग आपका सुनते हैं डेली बेसिस पे चेक पे, ठीक है। अब ये होते क्या है, पहले हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे, देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबके लिए, ठीक है, सबके लिए एक एक सिनोनिम जो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो चेक टाइप आपका है, कुछ मेजर टाइप चेक टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप आपका है बीयरर चेक, ठीक है, बीयरर को दूसरा नाम दिया गया है आपका सेल्फ चेक, ठीक है। कई बार आप लोग देखते होंगे जैसे आपने चेक इशू करा, ठीक है, आपने पार्टी का नाम नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे होता है ना टू किसको इशू करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका पेई कौन होगा, तो यहाँ पे पेई टू पेई की जगह आपने क्या लिख दिया, सेल्फ लिख दिया या आपने बीयरर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब ये जो पैसा क्रेडिट होगा ये आपको उसी समय, ठीक है। तो अ चेक विच इज पेएबल टू अ पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट एट द बैंक, ठीक है, अ चेक विच इज पेएबल टू एनी पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट एट द बैंक और कैश ऑन काउंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ऑन काउंटर, ठीक है। अब ये जो चेक है सेल्फ चेक या बेयरर चेक क्या होता है, जैसे आपने सेल्फ करके या बेयरर करके इसको भरा, ठीक है, जिसको आपने इसको दिया, सपोज करो आपको किसी को 50,000 का पेमेंट करना था, आपने उनको चेक दे दिया बेयरर बना के, ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट में जाएंगे, कैशियर को देंगे, जब विड्रॉल फॉर्म होता है उसमें बाय कैश लिखेंगे, सॉरी बाय चेक लिखेंगे, ठीक है, और जो कैशियर है वो क्या बोलेगा, अगर चेक अमाउंट 20,000 से बड़ा है तो उसके पीछे अपना सिग्नेचर मोबाइल नंबर छोड़ने के लिए बोलेगा और सेम टाइम पे उनको क्या होगा, वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, चेक क्या होते हैं बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं, लेकिन जो बीयरर चेक है वो क्या होगा, सेम टाइम आपका कैश ऑन काउंटर या ओवर द काउंटर, जिसके ऊपर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, आपका डील कर पा रहे हैं। तो एक ऐसा चेक जिसके थ्रू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेम टाइम पे, ठीक है, आपका अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा बल्कि कैश के अंदर आपका डीलिंग होगा, आप बैंक को चेक दे दो और उसके बदले में आपको क्या दे देगा, कैश दे देगा, ठीक है। और जो इस चेक का होल्डर होगा, ठीक है, आप अगर आप लेके जा रहे हैं, आपने किसी दूसरे को दिया तो वो भी निकाल सकते हैं, उस दूसरे ने किसी तीसरे को ट्रांसफर करा तो वो भी आपका, तो इसका मतलब क्या है कि चेक क्या है, ट्रांसफरेबल है, ठीक है। जो बीयरर चेक होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। तो बीयरर चेक आपको याद कैसे रखना है, सेल्फ चेक, ठीक है, सेल्फ से याद रह जाएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर आपका विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा टाइप आपका है ऑर्डर चेक,
ऑर्डर बाय ऑर्डर जो आपके जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर आपका क्या होगा, बाय ऑर्डर, जिसमें जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन होता है, जो चेक इश्यू करता है, ठीक है। तो जिसमें जो ड्रॉअर है वो ऑर्डर दे रहा है पे आपका ड्रॉई को, ड्रॉई कौन होता है, बैंक, ठीक है, कि मेरे बिहाफ पे इस पे को इतना पैसा क्या कराना है, इस नाम पे या इस अकाउंट नंबर के अंदर क्रेडिट कराना है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं आपका क्रॉस चेक। आप क्रॉस चेक जानते हैं, सपोज करो ये चेक है, तो इसके लेफ्ट साइड में हम लोग दो पैरेलल लाइन डाल देते हैं, ठीक है, पे ही लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं हम लोग अकाउंट पे ही, या अगर आप सिंपली पैरेलल लाइन भी डालोगे तो इसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इसका मतलब क्या है आपका, ये क्या होगा, किसी पर्सन के नाम या उसी अकाउंट के अंदर क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। ऑर्डर चेक वन विच इज पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। जैसे सेल्फ में क्या हो रहा था, आप उसको कोई भी आपका विड्रॉ करा सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आपने किसी एक्स वाई जेड के नाम पे इसको आपका इशू किया है, तो सिर्फ उस एक्स वाई जेड के नाम पे या उस नाम वाले अकाउंट के अंदर ही वो पैसा क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर जिसमें डील आपका होता है। तीसरा टाइप जो है वो है आपका एंटी डेटेड, और चौथा है पोस्ट डेटेड। इन दोनों को एक साथ समझना है क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। एंटी डेटेड चेक क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ अ चेक बियर अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट प्रेजेंटेड टू द बैंक, अगर कोई चेक जिसपे क्या है, जैसे सपोज करो आज आपका डेट है 10th of March 2019, आज की डेट है, ठीक है, लेकिन इस चेक के ऊपर जो डेट है वो कब की है आपका, जैसे सपोज करो इसके ऊपर डेट थी आपका 5th of March 2019, ठीक है, इस पर जो डेट थी आपका, आज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन डेट क्या है, पहले डेट की है, ठीक है। दूसरा पोस्ट डेटेड चेक क्या होगा आपका, इफ अ चेक बियर अ फ्यूचर डेट, ठीक है, दूसरा केस क्या हुआ, आज जैसे सपोज करो हमने बोला आज 10th March है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो डेट है वो कब की है आपका, 10th of December 2019, ठीक है, आज डेट है आपका 10 मार्च, लेकिन डेट इस पे मेंशन किया आपका 10th ऑफ दिसंबर 2019, ठीक है। अब ये एंटी और पोस्ट डेटेड, इनको हम लोग, ये काम कहाँ पे होते हैं, ठीक है, एंटी डेटेड चेक क्या होता है आपका, कि जहाँ पे जो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस कैसे होगा, डेट ऑफ सर्विस से आप इसको याद रखें, ठीक है, जैसे आप कहीं पे कोचिंग लेने के लिए गए, ठीक है, आपने क्या करा कि आपने बोला कि जो नेक्स्ट मंथ की 15 से जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें मुझे एडमिशन दे दीजिए, अब अगले महीने का 15 तारीख, लेकिन जो चेक के ऊपर डेट आपने डाली वो क्या डाली, आज की डाली, ठीक है, तो डेट ऑफ सर्विस क्या है, फ्यूचर में है, लेकिन आपका जो डेट ऑफ पेमेंट है वो क्या है, आज की आपका है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, एंटी डेटेड। पोस्ट डेटेड क्या होगा आपका, अपोजिट आपका, जिसमें जो डेट ऑफ सर्विस है वो अभी एट प्रेजेंट की है, ठीक है, अभी आप सर्विस ले रहे हैं, आपने क्या बोला कि मैं कोचिंग आज से लूंगा, लेकिन 3 महीने के बाद आप इस चेक को क्या करना, बैंक के अंदर प्रेजेंट कर लेना, और जैसे मेरी कोचिंग खत्म होने को तो आप इसको प्रेजेंट कर लेना, और आपका पैसा क्या हो जाएगा, अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्यूचर पोस्ट डेटेड आपका, पीडीसी बहुत यूज होता है आपका बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जैसे आप रेंट पे गए, आपने 10 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाया, आपने क्या करा, हर महीने का उनको एक पहले से ही एक चेक साइन करके दे दिया जिस पे अगले महीने की रेंट की डेट आपका मेंशन थी। अब इसको आपको ध्यान कैसे रखना है, जैसे आपके सिम कार्ड होते हैं, ठीक है, सिम कार्ड यूज करते हैं हम लोग, तो सिम कार्ड दो तरीके से होते हैं, एक है तो आपका प्रीपेड और दूसरा क्या होता है आपका पोस्ट पेड, ठीक है, एक आपका प्रीपेड सिम कार्ड होते हैं, एक आपका होता है पोस्ट पेड आपका, ठीक है, सिम कार्ड से इसको ध्यान रखें, ठीक है। आप प्रीपेड सिम कार्ड में क्या होता है, आप पहले पेमेंट करते हैं देन सर्विसेज यूज करते हैं, तो एंटी डेटेड आपका, और पोस्ट पेड सिम कार्ड के अंदर क्या होता है आपका, जिसमें आप पहले सर्विसेज यूज करते हैं देन आपका बिलिंग होती है या आपका पेमेंट होता है। तो प्रीपेड और पोस्ट पेड सिम कार्ड की तरह ध्यान रखना है आपको, एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड, कोई भी क्वेश्चन आएगा एंड ऑफ द डे क्लियर हो जाएगा अगर आप लॉजिक बना के चलते हैं। अगला टाइप जो आपका फिफ्थ टाइप है वो है आपका स्टेल चेक। अब स्टेल वर्ड जानते हैं, स्टेल का मतलब होता है काफी पुराना, सड़ना गलना, ठीक है, जो काफी पुरानी चीज है उसके लिए हम लोग स्टेल वर्ड यूज करते हैं आपका, ठीक है। तो स्टेल चेक क्या हो गया, अ चेक प्रेजेंटेड एट द पेइंग बैंक आफ्टर 3 months और 90 days, ठीक है, कोई ऐसा चेक जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेइंग बैंक के अंदर आपका प्रेजेंट कर रहे हैं, कब, आफ्टर 90 days और 3 months, ठीक है, ऐसा चेक जिसको हम लोग आपका प्रेजेंट कर रहे हैं आपका बैंक को, जिसके ऊपर जो डेट आपकी मेंशन थी, ठीक है, जिस डेट पे उसको आपका क्रेडिट करना, वो डेट कौन सी थी, 3 महीने पहले की डेट आपका थी, तो बैंक उसको लेने से क्या कर देगा आपका, मना कर देगा, वो क्या हो जाएगा आपका, स्टेल हो चुका है, क्योंकि उसको काफी टाइम हो चुका है। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने आपको बोला आज डेट है आपकी 10th अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल आज की डेट है, आप कोई चेक लेने गए जिस पर डेट क्या था आपका,
फर्स्ट दिसंबर, 1 दिसंबर 2018 आपको चेक प्रेजेंट करने के लिए आज की डेट पे, ठीक है। लेकिन उस चेक के ऊपर जो डेट लिखा था राइट साइड में वो क्या लिखा था, 1 दिसंबर 2018। अब इसको क्या हो चुका है, 90 दिन से या 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेल हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक पहले ये 6 मंथ होता था, ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको 3 मंथ आपका कर दिया या 90 डेज कर दिया, ठीक है, 180 डेज से। तो एक कोई ऐसा चेक जिसपे जो आपका जो पेमेंट का डेट है उस डेट से और आज की डेट में क्या है 90 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उस चेक को डिसऑन कर देगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होगा। तो स्टेल से याद रखें, स्टेल ओल्ड आपका, ठीक है, और स्टेल जिसको हम लोग बोलते हैं इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या होगा, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, और वैलिडिटी कितनी होती है आपका 6 मंथ, चेक की वैलिडिटी इंडिया में 6 मंथ। तो इस तरीके से याद रखें। अगला आपका म्यूटिलेटेड चेक, आपका म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, म्यूटिलेटेड का दूसरा नाम है आपका टॉर्न, म्यूटिलेटेड टॉर्न चेक, ठीक है, ऐसे चेक जो फट चुके हैं। इफ अ चेक इज टॉर्न इनटू 2 or more pieces सच चेक इज म्यूटिलेटेड चेक, ठीक है। जैसे आपके पास कोई चेक आया, ठीक है, गलती से वो चेक क्या हुआ 2 या 2 से ज्यादा भागों में फट गया, तो उसको अगर आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो बैंक क्या देगा, अगर आप विदाउट एप्लीकेशन देंगे एरर आएगा, ठीक है, पेमेंट डिक्लाइन डिसऑनर, और रीजन क्या होगा, ड्यू टू म्यूटिलेटेड चेक, या आपका चेक क्या हो चुका है 2 से ज्यादा भागों में फट चुका है तो हम लोग इसको पे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हाँ, म्यूटिलेटेड चेक के अगेंस्ट में पेमेंट हो सकती है कब, जब आप जो ड्रॉअर है, ठीक है, ड्रॉअर से एक एप्लीकेशन साइन करवा के लेके आओ, और उस एप्लीकेशन में ड्रॉअर क्या करेगा कि ये चेक नंबर, ठीक है, और आपका इतने अमाउंट का उसका नाम, ठीक है, इस पेमेंट को आगे प्रोसीड करना चाहता है विद सेम सिग्नेचर्स, ठीक है। अगर आप वो उसके साथ म्यूटिलेटेड चेक को बैंक के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो म्यूटिलेटेड का मतलब टॉन चेक, ऐसे चेक जो 2 या 2 से ज्यादा भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला जो चेक है वो है आपका ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है, ट्रेवलर्स कौन होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे, ऐसे जो घुमक्कड़ होते हैं, जो लोग घूमते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेवलर्स, ठीक है। अब ट्रेवलर्स चेक कैसे, इन्हीं के लिए लाया गया, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने प्लान करा कि यूरोप घूमने जाना है, ठीक है। अब यूरोप बहुत बड़ा एरिया है, सिंगल वीजा लगता है बहुत सारे एरियाज के लिए, ठीक है। अब वहाँ के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन चाहिए मिनिमम यूरोप के मेजर मेजर डेस्टिनेशंस को कवर करने के लिए। अब 15 दिन के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वहां पे INR आपका काम करेगा नहीं और ATM सर्विसेज आपकी काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है आपका, आपको अपना पैसा यूरो के अंदर कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इतना सारा कैश अपने पास रखेंगे तो वो मिसप्लेस हो सकता है, या फिर आपके साथ रॉबरी हो गई या कुछ भी ऐसा प्लेस हुआ जिसकी वजह से आप ब्लैंक हो गए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, ट्रेवलर्स चेक। और चेक इशूड बाय बैंक फॉर रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या हो गया, विड्रॉल एंड ट्रांसफर, ठीक है, रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब आप अपने बैंक के पास गए, ठीक है, सपोज करो आपका बैंक था ICICI बैंक, आपने बोला कि मुझे भाई यूरोप जाना है, मुझे आपका ट्रेवलर चेक की इशू करिए, ठीक है। उन्होंने क्या करा, आपको ट्रेवलर चेक इशू करा, साथ ही साथ वो आपको बताएंगे कि इन बैंक में से और इन इन बैंक के साथ हमारा टाई अप है इन इन करेंसीज के अंदर, आप यहां से क्या कर सकते हैं। अब आप क्या करें, यूरोप के अंदर उस बैंक के अंदर गए और आपको जितना भी कैश का जरूरत था आपने विदड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से काम करते हैं आपका ट्रेवलर्स चेक। अगला जो है ये कुछ मेजर टाइप, इसके अलावा भी कुछ और टाइप, जैसे आपका टाइप्स होता है क्या, जैसे कैंसिल चेक बोलते हैं। कैंसिल चेक क्या होता है, जैसे सपोज करो ये आपका चेक है, ठीक है, तो अगर आप इसके मिड में सिंगल या डबल पैरेलल लाइन डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है, कैंसिल्ड है, ठीक है। कुछ लोग इसके बीच में लिख देते हैं कैंसिल, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये अंडरस्टूड है, क्योंकि ये जो सिंगल या डबल लाइन है इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया है, ये चेक क्या होगा आपका, कैंसिल चेक होगा। भले उसके ऊपर सब कुछ करेक्ट है अमाउंट या सिग्नेचर, लेकिन इन लाइन्स की वजह से ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब कैंसिल चेक यूज कहां पे होता है, अकाउंट मैपिंग के लिए, ठीक है। जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं या फिर किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो किस अकाउंट के अंदर आपका पैसा क्रेडिट हो या किससे आप EMI पे कर रहे हो, तो अमाउंट मैच करने के लिए आपको एक कुछ डिटेल चाहिए होती है बैंक की, और आपकी बैंक की सारी डिटेल्स होती हैं आपके चेक के ऊपर, जैसे बैंक का एड्रेस, IFSC कोड आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका नाम हो गया, ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपके एक चेक के ऊपर होती है। तो इसलिए अदर डिटेल ना लेके हम लोग यूज करते हैं आपका कैंसिल चेक को। इसके अलावा
आपका गिफ्ट चेक होता है, ठीक है। गिफ्ट चेक आपने सुना होगा, गिफ्ट चेक क्या होता है, जैसे आपने मैच के समय, अगर आप क्रिकेट या कोई भी मैच देखते हैं, तो आपका जैसे किसी कोई ट्रॉफी हो, कोई सीरीज आपकी होती है, ठीक है, तो उसमें गिफ्ट चेक दिया जाता है, बहुत बड़ा सा दिखाते हैं आपका, ठीक है। वो बड़ा सा चेक आपका प्रेजेंट नहीं होता बैंक के अंदर, ठीक है, वो ऑलरेडी पे हो चुका होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आपका देखते हैं, ठीक है। तो गिफ्ट चेक जिसके ऊपर स्पेशल प्रिंटिंग होती है, जैसे सीरीज का नाम कि पेटीएम, आपका पेटीएम टेस्ट सीरीज, पेटीएम वनडे सीरीज, आईपीएल सीरीज, इस तरीके से जो आपके सीरीज का पूरा नाम या किसके द्वारा उसको स्पॉन्सर किया गया उसका, ठीक है। या फिर जैसे आजकल और जो भी कंपनीज हैं वो यूज करते हैं गिफ्ट चेक, जैसे दिवाली आपका हुआ या न्यू ईयर आपका हुआ, तो एम्प्लॉयज को गिफ्ट की जगह उन्होंने क्या दिया, गिफ्ट चेक आपके दे दिए जिसके ऊपर स्पेशल विशेज लिखी थी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन, इस तरीके से स्पेशल प्रिंटिंग के साथ, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चेक आपका, आप इनको याद कैसे रखना है आपको, टाइप्स ऑफ चेक विद सिनोनिम्स, ठीक है। जो जितने भी चेक मैंने आपको बताए इनको वन वर्ड में आपको याद कैसे रखना है, पहला है बियरर, बियरर इज इक्वल टू मैंने आपको बताया सेल्फ, ठीक है, जिसको हम लोग बियरर को याद रखें आप किसकी तरह, सेल्फ की तरह। सेल्फ का मतलब कोई भी सेल्फ चेक होता है आप क्या कर लेते हैं, सेम टाइम आपका विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ओवर द काउंटर जो आपका डील होता है। ऑर्डर चेक क्या होगा, अकाउंट पे ही, जो किसी की पर्सन या उसके नाम के ऊपर ही क्या होगा आपका, किसी पर्सन के नाम या अकाउंट के अंदर ही क्या होगा, पैसा आपका क्रेडिट होगा, जिस पे क्या होती है क्रॉसिंग आपकी होती है। एंटी डेटेड आपका प्रीपेड, और आपका पोस्ट डेटेड पोस्ट पेड, ठीक है। सिम कार्ड के केस मैंने आपको समझाया था, प्रीपेड पहले आपका पेमेंट होगा बाद में आपकी सर्विसेज होंगी, और पोस्ट पेड पहले सर्विसेज होंगे बाद में आपका पेमेंट होगा, ठीक है। स्टेल चेक आपका, स्टेल मैंने आपको बताया इनवैलिड, इनवैलिड मतलब जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसको उस पर जो डेट है वो उसको कितना समय हो चुका है आपका, मोर देन 90 days या 3 month, पहले आपका था 180 days था और इसको 2013 के बाद इसको 90 days कर दिया गया। म्यूटिलेटेड चेक को आपको ध्यान रखना है, कैसे, टॉर्न चेक, टॉर्न का मतलब होता है फट जाना, ठीक है। कोई भी ऐसा चेक जो दो या दो से ज्यादा पार्ट में अगर फट जाए तो उसको हम लोग आपका टॉर्न चेक डिक्लेयर करते थे, ठीक है। ये कुछ मेजर मेजर टाइप्स के चेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपका चेक के ऊपर, ठीक है, जैसे अगर आप कभी चेक के उसको देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो जैसे सपोज करो ये आपका चेक है, ठीक है, तो इसमें एक कोड मेंशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका IFSC, ठीक है, जिसको आप फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब ये जो IFSC कोड है ये क्या होता है आपका 11 digit अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है, 11 digit का ये कोड आपका बना होता है, ठीक है। अब IFSC कोड क्या होता है, जिसपे जिसको आप यूज करते हैं अकाउंट मैपिंग या वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, जिसमें पहले जो आपका फर्स्ट 4 digit है वो क्या करेंगे आपका, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आपका बैंक नेम को, ठीक है, फर्स्ट 4 digit आपका बैंक नेम, ठीक है। जैसे सपोज करो फर्स्ट 4 digit आपका बैंक नेम मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे सपोज करो आपका बैंक का अकाउंट है ICICI का, तो किस तरीके से होगा आपका ICICI फर्स्ट 4 digit, ठीक है। जो फिफ्थ होगा आपका वो स्पेशल कैरेक्टर आपका होता है, ठीक है, पांचवा डिजिट इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, और वो हर IFSC को के केस में क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और लास्ट 6 आपके, ठीक है, जो लास्ट 6 digit हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आपका बैंक ब्रांच को आपका, ठीक है। जो आखिरी के 6 digit होते हैं आपके IFSC के वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका, बैंक ब्रांच को आपका, ठीक है। तो बैंक ब्रांच आपका, ठीक है, जैसे सपोज करो 0 0 0 1 7 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका IFSC कोड हो गया। अब IFSC कोड किसके लिए जरूरी होता है, ठीक है, अगर आप कभी भी किसी को NEFT करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर किसी को आप RTGS कर रहे हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप किसी को IMPS कर रहे हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, या इंटर मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, आप इन तीनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मैंडेटरी कोड होता है आपका क्या, IFSC, आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 digit कोड होता है, 11 अक्षरों का ये कोड आपका होता है। पहले 4 digit आपका बैंक का नाम, जैसे SBI का SBIN, पंजाब नेशनल बैंक का PUNB, ठीक है, ICICI बैंक का ICICI, एक्सिस बैंक का UTIB, इस तरीके से
पांचवा डिजिट आपका जीरो होगा और लास्ट सिक्स डिजिट आपका जो कि जिस ब्रांच का वो चेकबुक इश्यू करा गया है उस ब्रांच को डिनोट करेंगे। यूज कहाँ पे होता है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे उसने लास्ट ईयर क्वेश्चन करा कि आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए कौन सा मैंडेटरी कोड आपका है, तो आपका आंसर होगा आईएफएससी कोड। इसके अलावा अगर आप जैसे कभी अपने चेक को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपका जो इसके बॉटम साइड पे कुछ डिजिट दिए रहते हैं, जैसे पहले चेक का नंबर दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद एक 9 डिजिट का कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ठीक है, जो कि 9 डिजिट का कोड आपका होता है, ठीक है, 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड हम लोग इससे बोलते हैं, ठीक है। अभी जो 9 डिजिट कोड आपका होता है ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, फर्स्ट 3 डिजिट आपका 33 के उसमें आपका रहेगा, ठीक है, तो पहले जो 3 डिजिट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे आपका सिटी कोड, ठीक है, कि किस सिटी के अंदर वो ब्रांच आपका है, ठीक है। दूसरा जो 2nd 3 डिजिट हैं ये आपका रिप्रेजेंट करेंगे किसको आपका बैंक कोड को, ठीक है, किस बैंक का वो आपका अकाउंट है, ठीक है, किस बैंक का वो अकाउंट है, और जो लास्ट 3 होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको आपका ब्रांच को, ठीक है, ब्रांच, ठीक है। आईएफएससी के लिए और आपका जो MICR है इन दोनों के लिए ब्रांच कोड अलग अलग होता है, तो काफी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR जो कि 9 डिजिट कोड आपका, ठीक है, जो कि 9 डिजिट आपका फर्स्ट 3 सिटी कोड, 2nd 3 आपका बैंक कोड और 3rd 3 आपका ब्रांच कोड, तो इस तरीके से 333 आपका, ठीक है। MICR को यूज करता है कौन आपका क्लियरिंग हाउस, कोई भी नेस हम लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चेक अगर क्लियर होने के लिए जाएगा तो उसका जो डेटाबेस मेंटेन होगा किसके बेसिस पे आपका MICR के बेसिस पे, ठीक है। क्लियरेंस के बाद हम लोग चेक को खत्म कर देते हैं और उसका डेटाबेस मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MICR। तो NEFT और IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR कोड, ठीक है, 2 कोडिंग आपका चेक के ऊपर आपको मिलेगा। सो गाइस आई होप कि अभी तक के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है, आपका NPCI प्लस आपका NPCI की सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन आपका चेक सिस्टम, ठीक है, चेक क्या होता है, देन आपका जो CTS सिस्टम आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम वो हम लोगों ने आपका समझा, इसके अलावा कुछ मेजर टाइप्स ऑफ चेक आपके, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक आपके कौन कौन से टाइप्स के चेक आपके होते हैं, ठीक है, कुछ मेजर जो चेक के टाइप्स आपके हैं वो हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, कैसे उनको ध्यान रखना है, और IFSC एंड MICR। आने वाली जो क्लास होगी, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है तो इसको हम लोग आपका यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, जो आने वाली क्लासेस होंगी उसके अंदर हम लोग आपका जो अदर टॉपिक आपके हैं, जो अदर सर्विसेज हैं NPCI के, जैसे आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आपके हैं, आपका NEFT RTGS IMPS भीम या जितने भी पेमेंट से रिलेटेड आपके जो टूल्स आप यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग आपका क्लियर करेंगे। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और आप रिकमेंड कर सकते हैं इन वीडियोस को। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।